क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड चैप्टर 11 एडजेक्टिव। अब हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। थर्ड टर्म का चैप्टर हमारा। एडजेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर विशेषण। क्लास फोर एडजेक्टिव समझो, विशेषण क्या वर्ड होता है। वर्ड आया है एडजेक्टिव, इसका मतलब है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। पहला होता है जो एडजेक्टिव होता है वह हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, वर्णन करने वाला शब्द होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव विशेषण हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसे कहेंगे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट डिस्क्राइब्स, यह है डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है पीपल, लोगों का वर्णन करता है, एंड थिंग्स वस्तुओं का वर्णन करता है। वर्ड्स फॉर पीपल शब्द होते हैं लोगों के लिए, एंड थिंग्स वस्तुओं के लिए आर नाउंस, वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। सो इसलिए एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउंस, इसलिए विशेषण होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं। अब नाउन की विशेषता कैसे बताते हैं ये देखो। जैसे हमने कहा ए लॉन्ग ब्रिज, ए लॉन्ग ब्रिज इसका मतलब होता है लंबा पुल। ए लॉन्ग ब्रिज, ए बिग हाउस, ए बिग हाउस एक बड़ा सा घर। अगला है ए लार्ज आदमी, ए लार्ज आदमी बड़ी सी सेना। अब यहां पर ये देखो, यहां पर एक वर्ड आया था एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउंस। एडजेक्टिव्स क्रिया, एडजेक्टिव्स विशेषण, डिस्क्राइब वर्णन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं नाउन का, संज्ञा का वर्णन करते हैं। अब इसमें संज्ञा को फाइंड आउट करो, संज्ञा शब्द हमारा कौन सा, ब्रिज पुल, ब्रिज क्या है हमारा संज्ञा। हाउस घर क्या है हमारा संज्ञा वर्ड। और आर्मी, आर्मी क्या है संज्ञा वर्ड। पहले बताया था हमने, आई हैव टोल्ड यू एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा की विशेषताएं क्या क्या है, ब्रिज पुल कैसा है, लंबा है, लॉन्ग। इस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की विशेषता क्या है, लॉन्ग। हाउस क्या है हमारा घर, तो घर की विशेषता क्या है, हाउस की विशेषता क्या है, बिग। हाउस हमारा कैसा है, हाउस हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता बता रही है, तो नाउन की विशेषता क्या है, घर कैसा है हमारा, बिग बड़ा है। और आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना, सेना कैसी है, सेना हमारा क्या है, नाउन है, संज्ञा है, तो सेना कैसी है, लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ी। तो ये नाउन की विशेषता बता रही है सेंटेंस में। पहला ब्रिज की क्वालिटी लॉन्ग, नाउन की विशेषता लॉन्ग, नाउन की विशेषता बिग, नाउन की विशेषता लार्ज। अब तीनों नाउन की विशेषता आ गई, जैसे ब्रिज कैसा है लॉन्ग, हाउस कैसा है बिग, आर्मी कैसा है लार्ज। ये सारे वर्ड लॉन्ग बिग और लार्ज ये सब क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव कहलाती हैं, एडजेक्टिव विशेषण कहलाते हैं। अब देखो इसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव के प्रकार बताएंगे। ये तो हमने एडजेक्टिव बता दिया कि ये एडजेक्टिव कैसी होती हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताती हैं, नाउंस की विशेषता बताती हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, ये तो पता लगा लिया कि एडजेक्टिव हमारा कौन सा वर्ड होता है, अब पता लगाना है किस प्रकार का एडजेक्टिव है, काइंड क्या है इसका। तो इस प्रकार तीन प्रकार का आपके कोर्स में काइंड आ रहा है। पहला प्रकार है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पहला प्रकार होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और सेकंड टाइप होता है, सेकंड प्रकार होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और थर्ड टाइप होता है, तीसरा प्रकार होता है एडजेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब हम आपको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। देखो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी, यह मात्रा बताता है, डिस्क्राइब द क्वांटिटी यह मात्रा बताता है ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स सजीव वस्तुओं की, और नॉन लिविंग थिंग्स और निर्जीव वस्तुओं की विशेषता बताता है ये। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, इसका जो आंसर क्वेश्चन करेंगे तो ऑफ व्हाट काइंड से करेंगे। दी एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यह एडजेक्टिव हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं इसको, इस एडजेक्टिव को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेष विशेषता बताने वाला विशेषण, गुणवाचक विशेषण हिंदी में इसका वर्ड होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण या विशेषता बताने वाला विशेषण। जैसे माई सिस्टर इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल है या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, माई सिस्टर मेरी बहन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर देखो लड़की की विशेषता क्या है, लड़की का गुण क्या है, लड़की की क्वालिटी क्या है, तो आंसर क्या मिला मुझे, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है, अंग्रेजी व्याकरण में ब्यूटीफुल क्या वर्ड है, तो हमने पता लगाया अंग्रेजी व्याकरण में ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव होता है, एक प्रकार का विशेषण होता है। अब हमने कहा किस प्रकार का विशेषण होता है, ये क्वेश्चन किया कि किस प्रकार का विशेषण है, तो मुझे आंसर मिला ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। और दूसरा प्रकार है इसका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये होता हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, इसमें किसी व्यक्ति की विशेषता का वर्णन होता है, किसी वस्तु की विशेषता का वर्णन होता है, वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड प्रकार है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव टेल अस हाउ मेनी, ये हाउ मेनी से क्वेश्चन बना देते हैं, हाउ मेनी माने कितने, और हाउ मच कितना, ऑफ समथिंग इज मीन, एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में मेंशन इट डिफाइन डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर, इसमें दोनों ही नंबर आते हैं, डेफिनेट नंबर आता है और इनडेफिनेट जिसकी कोई सीमा होती है जिसको सीमा नहीं होती है। जैसे हमने कहा देयर वर 50 पीपल इन दैट बस, देयर वर 50 पीपल इन दैट बस। अब यहां पर देखो देयर वर 50 पीपल, देयर वर मींस है 50 पीपल, 50 लोग हैं, इन दैट बस उस बस में 50 लोग हैं। अब यहां पर ये समझो अब 50 आ गया, 50 मतलब संख्या बता रहा है, लोगों की संख्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण। इसका दूसरा प्रकार होता है क्वांटिटेटिव नंबर मींस एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण जिसमें संख्या का पता होता है, गिनती का पता होता है, तब हम वहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आया है देयर वर 50 पीपल इन दैट बस, उस बस में 50 लोग हैं, कितने लोग हैं, क्वेश्चन क्या हुआ हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन दैट बस, उस बस में कितने लोग प्रेजेंट हैं, आंसर मिला मुझे 50। अब 50 क्या हो गया, 50 हमारा एडजेक्टिव हो गया, और 50 हमारा किस प्रकार का एडजेक्टिव है, काइंड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या कह लो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब तीसरा प्रकार होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तीसरा प्रकार है एडजेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो सच एडजेक्टिव विच आर यूज, ऐसे विशेषण जो प्रयोग किए जाते हैं
टू पॉइंट आउट और ड्रॉ योर अटेंशन, आपको अटेंशन के लिए, टू सर्टेन पर्सन और थिंग्स, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा दिस पोइम वॉज रिटन बाय जॉन, यह कविता जॉन के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर दिस दिस वर्ड आ गया है, तो दिस क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इस प्रकार तीनों हमारे एडजेक्टिव हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चैप्टर हमारा फिनिश।